तो आपके पास एक पेयर ऑफ होम स्टीरियो सिस्टम है जहाँ पे आप मूवीज़ देखते हैं, गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बट आप सोच रहे हैं कि क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूजिक बनाने के लिए भी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभराज, ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ क्या डिफरेंस होता है एक होम स्टीरियो सिस्टम और स्टूडियो मॉनिटर्स में। तो अगर हम टेक्निकल डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि आपके जो होम स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं वो पैसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि आपके उन स्पीकर्स को रन करने के लिए एक एक्सटर्नल एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि स्पीकर्स के साथ एक छोटा सा डिवाइस होता है या डब्बा होता है जहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने वॉल्यूम को, बेस को। तो वो बेसिकली एक एक्सटर्नल एम्पलीफायर है जो आपके स्पीकर को पावर कर रहा है। वेयरएज अगर हम स्टूडियो मॉनिटर्स की बात करें तो ये एक्टिव इन नेचर होता है। इसका मतलब है कि इनके अंदर ही एम्पलीफायर्स बने हुए होते हैं। ओके, तो अगर आप सोचें कि भाई फायदा क्या है यार, एक्टिव ले पैसिव ले बात तो वही है। देखिए, एक्टिव स्पीकर्स जो होते हैं उनके अंदर यूजुअली एक से ज़्यादा एम्पलीफायर्स बने हुए होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक स्पीकर है जिसपे एक ट्विटर है, एक मिड रेंज वाला स्पीकर है और एक वूफर है, तो इनके अंदर तीन आपके एम्पलीफायर्स बने हैं जो इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तीनों ड्राइवर को। यानी कि ट्विटर को भी अलग एनर्जी जा रहा है, मिड रेंज को भी अलग पावर जा रहा है और वूफर को भी अलग पावर जा रहा है। इससे फ़ायदा ये है कि जब भी कोई एक ड्राइवर, यानी कि मान लीजिए अगर किसी गाने में बेस ज़्यादा है तो जो आपका वूफर पावर डिमांड करेगा तो वहाँ पे दूसरे स्पीकर्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ओके, मैं इस चीज़ को थोड़ा और आसान बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक गाना सुन रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस है या फिर बहुत ज़्यादा किक्स है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको यूजुअली जो लो फ्रीक्वेंसीज है, किक या बेस, ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावर डिमांड करती है। अगर आप एक पैसिव मॉडल में हैं, अगर आप एक पैसिव टाइप ऑफ स्पीकर में हैं जो आपके घर पे होते हैं, उन पे क्या होगा, जब आपका मिड रेंज या फिर जो आपका बेस प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपका वूफर है, वो जब आपका बेस प्रोड्यूस करेगा तो थोड़े बहुत एनर्जी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा बाकी स्पीकर से। यानी कि वो मिड रेंज से थोड़ा सा खींच लेगा, वो ट्विटर से थोड़ा सा खींच लेगा, जिससे आपका बेस प्रॉपरली प्रोड्यूस हो सके। लेकिन ये ऐसा नहीं है जब आप एक्टिव स्पीकर्स की बात करते हैं, क्योंकि एक्टिव स्पीकर्स में हर किसी को अपना पावर मिल रहा है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा एक्टिव स्पीकर्स पे आपको ज़्यादा स्टीपर स्लोप्स भी मिलते हैं, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसीज़ है वो ओवरलैप नहीं करती है, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन होता है कि आप स्टीपर स्लोप्स बना सके। और आपको एक मोर डिटेल साउंड मिलता है। अगर आप बेस की बात करें तो आपको बेस बहुत क्लियरली सुनाई देता है, अगर आप मिड्स की बात करें तो मिड्स आपको बहुत क्लियरली सुनाई देता है, हाइज भी आपको बहुत क्लियरली सुनाई देता है, क्योंकि वो स्लोप बहुत आपका टाइट होता है, बहुत वो स्टीप होता है। तो अगर आप सोचें कि भाई लेकिन ये सब तो बहुत टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, हम तो इसी पे सुनते हैं, हर किसी के पास स्टूडियो मॉनिटर्स नहीं होता, तो हम इसमें गाने क्यों नहीं बना सकते। तो देखिए, इस बात को समझे कि जब म्यूजिक प्रोफेशनल्स म्यूजिक को सुनते हैं वो काफ़ी डिफरेंट माइंडसेट से सुनते हैं कंपेयर टू अ कंज्यूमर। एज अ कंज्यूमर आप चाहते हैं कि आप गाने को सुने, आप एंजॉय करें, दैट्स ऑल, आपको ज़्यादा कुछ उसके साथ करना नहीं होता है। बट एज इंजीनियर्स, एज प्रोड्यूसर्स, एज म्यूजिशियंस, आपको जितना हो सके उस सच को सुनना पड़ता है, जितना हो सके उस रियल रिप्रेजेंटेशन को सुनना पड़ता है। रैदर देन कलर्ड साउंड, आप एक्चुअल साउंड को सुनना चाहेंगे। अगर आपने गलती भी की है तो आप वो गलती को सुनना चाहेंगे। वेयर एज कंज्यूमर को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने अगर अपना एक गिटार रिकॉर्ड किया, मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने उस गिटार पर कोई गलती भी की है तो वो मुझे सुनाई दे, ताकि मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ, इससे पहले कि ऑडियंस सुने, इससे पहले आप लोग सुने, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। तो इसी रीज़न की वजह से ऑडियो प्रोफेशनल्स एक सच्चा इमेज, यानी कि प्लेन ट्रुथ सुनना पसंद करते हैं रैदर देन कलर्ड इमेज। और फाइनली, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप सीरियस है म्यूजिक मेकिंग को लेके, अगर आप सोचें कि आप कुछ करना चाहते हैं इसमें, तो डेफिनेटली आपको जाके एक गुड पेयर ऑफ मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको बहुत महंगे पेयर्स लेने चाहिए, लेकिन आपको एक गुड पेयर ऑफ मॉनिटर्स लेना चाहिए। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको एक गुड पेयर ऑफ हेडफोन्स ज़रूर लेने चाहिए। ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता रहा था एक होम स्टीरियो सिस्टम और एक स्टूडियो मॉनिटर के बीच। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।